आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से विशाल मॉडर्न स्कूल दवतवा के बच्चों के बीच 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह जी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विशाल मॉडर्न स्कूल के प्रबंधक महोदय प्रमोद चौधरी जी के साथ मिलकर ध्वजारोहण कराया। इस अवसर पर भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों को सम्मानित किया गया, समस्त अध्यापक गणों को सम्मानित किया गया और सरधना थाने के एसओ साहब से शिष्टाचार मुलाकात की गई। उन्होंने संगठन के बारे में विस्तार से बताया। एसओ साहब ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आजादी क्या होगी तो मैं सभी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की आन बान शान के लिए जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं मेरे बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, देश का नाम रोशन करो। देश में आज भी बहुत अनुभवी लोग हैं और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने शुभ अवसर पे हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और सम्मान किया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं कि आज जो सम्मान हमें आपके द्वारा एक विद्यालय के द्वारा दिया गया है, सभी आपके हमारे जो संरक्षक हैं, विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो हमारा आज सम्मान यहां पे किया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आजादी की से इस जो त्योहार है, सरकार ने भी प्रशासन ने भी बहुत सहयोग करा है, धूमधाम से मनाने के लिए बोला गया है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी इस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे हर चीज के अंदर और आने वाले समय में हम ये विश्वास दिलवाते हैं आपको कि इस विद्यालय के लिए हमारा जो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार सुरक्षा संगठन इतना कर सकता है। हमारी जो संस्था है जो ह्यूमन राइट्स की है वो पूरे भारतवर्ष में है, ऑल इंडिया में है, ऑफिसेज हैं, बॉम्बे है, गुजरात है, राजस्थान है, हर जगह ऑफिस है। तो हम ये कोशिश करेंगे, एक इस जो स्कूल का प्रांगण है इसके लिए हमारे लिए कोई भी प्रबंधक साहब के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाएगा हम उसको मानने और पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रबंधक साहब प्रधानाचार्य जी हमारे विद्यालय के लिए कुछ भी अगर हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि हमें इस लायक को समझ करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रबंधक साहब को भी और प्रधानाचार्य साहब को भी विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए जितना हमारा ह्यूमन राइट्स जो भी संगठन है हमारा जो चल रहा है हर संभव प्रयास करेगा आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षक बिल्डिंग के लिए कुछ भी अगर हमारे जो भी हमारे से सहयोग हो सकता है हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे विद्यालय का।